आम आदमी पार्टी अपना तानाशाही और अराजक रवैया बनाए हुए है बढ़ाती जा रही है। हाउस को ना चलने देना इनकी हठधर्मिता दिखाता है, और भ्रष्टाचार तो आप देख ही रहे हैं कि इनकी भ्रष्टाचार की जो पोटलियां हैं वो धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई हैं। निगम के अंदर के भ्रष्टाचार, निगम से पहले इनकी जिस तरह से अपने कैंडिडेट्स को पैसे लेकर के टिकटें देना और वो धीरे धीरे उजागर होना, ये सब बातें लगातार आ रही हैं। उसी कारण से उनके अंदर भी बहुत ज्यादा डिसिडेंसी है। मेयर के और डिप्टी मेयर के दो दो नॉमिनेशन भरना, एक दिन के बाद उनका वापस आना, तानाशाही रवैया है। लोकतंत्र की प्रक्रिया को गला दबाने का काम लगातार करते हैं। अभी आपने देखा परसों भी 24 घंटे हाउस चल रहा है। पहले किसी बात के लिए हाँ करते हैं कि मेयर डिप्टी मेयर में मोबाइल अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर्स का चुनाव होता है, उन्हें पता है कि इनके क्रॉस वोटिंग होनी शुरू हो गई है, तो कहीं ज्यादा नुकसान ना हो जाए, मेंबर्स हार ना जाएं, इन सब चीजों को लेकर के आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उनका दम भी घुटना शुरू हुआ हुआ है, और अंदर की डिसिडेंसी का ही परिणाम है कि इनके अपने वोट या तो ब्लैंक आ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी पर अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं।